नमस्कार, मैं आनंद कुमार, गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता था कि आज हम लोग लखनऊ जाने वाले थे, तो गए भी थे और लगभग 50 से 55 साथी हमारे आए हुए थे, तो उन सबका धन्यवाद। और आज क्या हुआ भर्ती बोर्ड में पूरा विस्तार से बताएंगे। यदि नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें हर व्यक्ति तक। देखो, जैसा कि आप सबको पता है कि भर्ती बोर्ड का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो बीटेक वालों की तरफ था, है और रहेगा। आज भी हम लोग गए थे तो डीजीपी साहब से तो मुलाकात हो नहीं पाई, बाकी अन्य लोगों से मुलाकात हुई तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इंस्पेक्टर वगैरह से मिलने से कोई मतलब नहीं होता है, SI वगैरह या जो छोटे मोटे अधिकारी हैं उनसे मिलने कोई मतलब होता नहीं है। और DGP साहब BTech है और उनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है, मैंने पहले बताया था, BTech वालों की तरफ है, क्योंकि पहले तो रुझान था, अब RTI का रिप्लाई आया, उसके बाद IGRS का रिप्लाई आ गया, तो जो भी रिप्लाई है वो BTech वालों के पक्ष में है। और हम लोगों को अगर ये सोचे कोई कि हम लोग यहाँ से भर्ती बोर्ड हम लोगों को एलिजिबल कर देगा तो ये और BTech को बाहर कर देगा, तो ये बेईमानी होगी। हम लोगों को जो भी राहत मिलेगी वो कोर्ट केस के जरिए ही मिल सकती है और उसी पे मेहनत करनी पड़ेगी आप सबको। तो हम सबकी जो जिम्मेदारी है और हम सबका मतलब एक ही प्लान है कि केस को मजबूती से लड़ा जाए। 14 मई को हम लोगों की हियरिंग है, हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं भर्ती बोर्ड से कि वो ईमानदारी से जवाब दे दें। 29 अप्रैल तक उनको जवाब दर्ज करना है, जो हमारे केस की सुनवाई होनी है, तो हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो जवाब दे दें। हालांकि इसकी भी उम्मीद थोड़ी कम नज़र आती है कि वो जवाब देंगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है आज भर्ती बोर्ड से वो लोग जो है वकील साहब उनके समय लेने वाले हैं और 3 सप्ताह का समय वो लेंगे, तो फिर 2 सप्ताह का समय हमको मिल जाएगा, जून ऊन तक जो है वो खींच ले जाएंगे इसको, ऐसा प्लान मुझे सुनने में आ रहा है कि जवाब को रिप्लाई नहीं देने वाले हैं जो पर्सन उनसे पूछे गए हैं। जब तक वो काउंटर फाइल लेंगे नहीं, हमारा रजिस्टर कर नहीं सकते हैं उस पर, और तब तक उस पर कुछ हो भी नहीं सकता है। इसलिए है, आप सब लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा, मजबूरी है हम लोगों की, कोई विकल्प है नहीं। हम लोग जो भी कर सकते थे किया और भर्ती बोर्ड भी आज 50-70 लोग आए, और हालांकि इसका प्रभाव रहा, सकारात्मक प्रभाव रहा कि सब लोग मेरे बुलाने से आए, और मार्स भी आया था, मार्स को आशीर्वाद दिया है मैंने खुश रहने का, पैर छुए उसने तो आशीर्वाद दिया मैंने कि खुश रहिए। और भी उसका तिकड़का आया हुआ था, बैठक वाले जो उलझना चाह रहे थे, और हाँ उनको जो गलत फहमी फैला रहे थे कि धारा 144 लगी हुई है, जेल भेज दिया गया, ये सब, तो वैसा कुछ नहीं हुआ है, बहुत सब चीज़ें नॉर्मल थी। हम लोग गए भी, भर्ती बोर्ड मिलने का प्रयास किया, हालांकि मिलने नहीं दिया गया। हम लोग 50-70 लोग थे, बहस हुई थोड़े बहुत अधिकारियों से, लेकिन ना मिलने दिया गया, ना ही किसी के साथ कोई कानूनी कार्रवाई हुई। हम लोग वापस चले आए अपने अपने घर, मैं भी आ गया और एक बारात जा रहा था, तो रास्ते में जानकारी आप लोगों को देनी थी, तो मैंने कहा साझा कर देता हूँ जानकारी आपके साथ। बाकी और जो भी खबर होगी मैं कल या परसों आपके साथ विस्तार में चीज़ें बताऊँगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हम लोगों को जो भी राहत मिल सकती है वो कोर्ट केस के जरिए ही मिल सकती है, और आप सबको हम लोगों के साथ कोर्ट केस में मजबूती से लगना पड़ेगा, तभी हम लोग जीत सकते हैं। किसी का सपोर्ट, किसी का साथ नहीं है, ये हमारी और आपकी लड़ाई है, हमें और आपको मिलकर लड़ना पड़ेगा। किसी और के सहारे या सोच रहे होगी नहीं हम नहीं निकलेंगे, दूसरा भाई आ जाएगा, तो कोई नहीं आपके साथ आने वाला है, हमारी और आपकी लड़ाई है, हमें और आपको ही मिलकर लड़नी पड़ेगी एक साथ। इसके लिए सारे डिप्लोमा वाले भाई जुड़ के रहें, और जो भी चीज़ें जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आर्थिक सहयोग की हो या आपके फिजिकल सपोर्ट की, आज 50-70 लोग आए, अगर यही 100-150 लोग होते तो शायद आज DGP से मुलाकात हो जाती, नहीं मुलाकात हो पाई, हम लोग आगे प्रयास करेंगे, जब भी होगा मैं फिर आपसे बताऊंगा कि कब आप लोगों को आना है। और बाकी यही घटनाक्रम था आज का, मैंने आपको सारा बता दिया ईमानदारी से, कोई क्या कह रहा क्या नहीं कह रहा वो सब चीज़ें अलग है, भ्रम था कि नोटिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, भर्ती बोर्ड जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। हम लोगों ने प्रयास किया था, किसी कार्यकारी अधिकारी या जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जवाब देने के लिए, उन लोगों से बात नहीं हो पाई, और जब उन लोगों से बात नहीं हो पाई किसी इंस्पेक्टर या SI लेवल के कहने से कि नहीं नोटिस आएगा, या वो सब बेईमानी होती है, उन चीज़ों पर मैं उतना वो नहीं करता हूँ, स्पष्ट बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि भर्ती बोर्ड का रुख जो है वो BTech वालों की तरफ है, और जिसका वानगी आप लोगों ने देखा है, 2 जवाब IGRS और ये मेल के रिप्लाई लगातार आ रहे हैं जिसमें BTech को निजी बताया जा रहा है। तो अभी भी आपके पास समय है, आप अगर आंखें नहीं खोल पा रहे हो अपने डिप्लोमा वाले होते हुए भी, तो फिर ये वैकेंसी आपके हाथ से निकल जाएगी और BTech वाले इसमें जीत जाएंगे, आप फिर रह जाओगे, कुछ रहेगा नहीं आपके हाथ में। ये बात एकदम मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मुझे सच कहने में कोई गुरेज नहीं होता है, जिसका जो पक्ष होता है वो मैं बता रहा हूँ,
और बीटेक वाले ही इसमें जो है फिर बाजी मार ले जाएंगे, अगर आप लोग एक साथ नहीं आओगे चीज़ें आपके हक से निकल जाएंगी, फिर आपको पछताना हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी जानकारी देनी थी। बाकी जो भी चीज़ें हैं, और इस बात की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है कि भर्ती बोर्ड 29 तक जवाब दे ही देगा, क्योंकि मुझे एक जानकारी से पता चला है सूत्रों से कि भर्ती बोर्ड जो है 3 सप्ताह का समय लेने वाला है, अभी जो है 3 सप्ताह का समय लेने वाला है, और उसके बाद सोच विचार के जवाब देंगे वो लोग। और जवाब क्या है उनका, रुख तो स्पष्ट है बीटेक को, तो उनका कुल मिला के यही है कि भर्ती को टाला जाए और डिप्लोमा वाले अपने आप ही पीछे हट जाएंगे, बीटेक को फिर एलिजिबल करा देंगे वो लोग और यही रुख है भर्ती बोर्ड का। और आप जानते हो कि अंतिम निर्णय भी भर्ती बोर्ड का ही होना है, तो उस हिसाब से आप लोगों को मजबूती के साथ लगना पड़ेगा, कोर्ट केस से ही हमको राहत मिलेगी। यदि कोर्ट से कुछ आया तो वो हम लोग कुछ कर सकते हैं, वरना अन्यथा जो है फिर हम लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।